उज्जैन के अजागस कार्यालय पर शहर के मीडिया कर्मी और उज्जैन जिले के अंदर बेहतर राष्ट्र हित समाज हित में काम करने वाले लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में पहुंचे सभी लोगों की मौजूदगी में यह मिलन समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिवर्ष नए साल में आयोजित करने का रहता है कि उज्जैन जिले के प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान किया जा सके, साथ ही मिलन समारोह के माध्यम से प्रेम भाईचारा और सद्भावना बनी रहे, उसी को लेकर प्रतिवर्ष नए वर्ष के दौरान यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है अजाग संघ के द्वारा। 2020 के दुखद अलविदा के बाद 2021 आया, नववर्ष के लिए सौगात लेकर पूरे कर्मचारियों के लिए, सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी उज्जैनवासियों के लिए सबके कल्याण की भावना के साथ राष्ट्र द्वारा नववर्ष मिलन समारोह आज आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न कर्मचारी संघों के पदाधिकारी उनको बुलाया गया था ताकि हमारा जो संदेश है गाँव गाँव तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, सबके कल्याण करी भावना। कितने वर्षों से आयोजन होता है ये आयोजन? हम प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। संविधान की वाचन जो है हम लगातार, मतलब पिछले साल हमने करीब करीब 46 दिन तक किया था, इस बार भी हम लगातार करते रहे। ठीक, आज सर नववर्ष मिलन समारोह हमारा अजाक्स और सभी सामाजिक संगठन, सभी कर्मचारी संगठन और समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान की मूल भावना को हमको प्रेरित करता है, समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने की जो बात करता है भारत का संविधान, उसकी मूल भावनाओं को लेकर ही आज का मिलन समारोह हमने आयोजित किया है। और इसको लेकर हम भारत के प्रत्येक नागरिक को, जैसा कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार दिए, कर्तव्य पालन करते रहे, इसी मूल भावनाओं से लेकर हमारे सामाजिक समरसता स्थापित रहे और इसी सब कामना देते हुए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।